मुझे कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना। मुख्तार को पहले ही नारिया से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। क्या हुआ नारिया? तुम तो कान लगाए हुए खड़ी थी मक्कार, सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय, तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया, काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया? मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्ने जुंदब के अलावा किसी की भी बेटी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती। अब भी कर सकती हो? नहीं हो सकती जारिया, तुम्हारी चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे, वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है, जाए तो मैं भी उसके पांव की जंजीर नहीं बनना चाहती। नहीं, बजाहे शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा। हाँ, क्यों नहीं, मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है। नारिया, तुम क्यों हसद नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है, उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है। वाकई? जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उस पे मरती है और गश खाती है। अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है। मकसद? तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था। ज्ञान, मैं मुख्तार हूं, अपनी ही शबी हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है। इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेजे पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है। हाकिमे बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है। शिबले मक्की, तलवार हिंदी और जिरहे दाऊदी, लश्कर शाम की हैबत के बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसे कद्दोकामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की, उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की, कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर उनकी नाद पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया। मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ।
आपकी आंखें पूरा दिन न देखें, मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा, मत पूछें। हम कैसे मान लें कि तुम इराकी हो? कैसे? मेरे लहजे से। हम इराकियों का एनगैन शामियों के एनगैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूजे नहीं काली बलाएं। खुदाया, मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामला तो नहीं? शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता? ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूजों में क्या देखा, तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा। इन अदाओं से तो तुमने हमारी जान निकाल दी, अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा। बिच्छू, जंगजू बिच्छू, हजार बिच्छुओं वाले कूजे ऊंटों पे लाद के लाए हैं और मजीदीकों के जरिए उन्हें मदान के घरों पे फेंकना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, खुदाया माफ करना, शरई जिम्मेदारी के तौर पर मुसलमानों को इस खतरे से आगाह करना था, खुदाया माफ करना। ये सब फितने सिर्फ और सिर्फ फजूल बकवास है, मुझे तो ये शाम का दज्जाल लगता है। खुदाया हमें शाम के दज्जाल के शर से महफूज रख। इतने सारे बिच्छुओं को कूजों में कैसे डाल सकते हैं? कूजे को बिच्छुओं से भरा है, ना ये कि बिच्छुओं को कूजे से। बेशक ये शामी चेलों में से है, इसके हाथ पांव बांध दो। जी अमीर, उतरो सर। बिच्छू को ऐसे कैसे शिकार करते हैं कि ना मरे? बिल्कुल पानी पीने की तरह। मैंने उनकी चाल को अपनी आंखों से देखा है। शामी फौजी एक टिड्डे को लकड़ी पे बांध के लाते हैं और उसे बिच्छू के सुराख के करीब ले जाते हैं। बिच्छू खाने के लालच में बाहर आता है और पकड़ा जाता है। लड़ाका बिच्छुओं को शिकार करने वाले शिकारी और शाम के कटे हुए और छिले हुए जंगजू सिपाही मेरी तरह के तो नहीं थे? क्यों नहीं, शक्लो हयात पर तुम उनसे कम नहीं हो, मगर कद्दो कामत में उनके एक तहाई भी नहीं हो। गलती ना करूं तो कहीं देखा है मैंने। हाँ। बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती इन किस्से कहानियों से लोगों को वहशत में डालते हो? अपने शहर उदयार के लोगों की बेघरी को कितने सिक्कों में बेचा है तुमने खयानतकार? नमक हराम के हाथ कट जाए, उससे सही तरह पेश आओ। तुम्हारे हाथ नमक हराम नहीं है, खयानतकार है। मैं इन्हें काट दूंगा। इन झूठों के फरेब में इसके हाथ पांव बांध दो। आप लोगों को मारना चाहते हैं ये लोग, आप सबको अपने ऊपर आने वाली बला के सामने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं लोगों का सौदा कर रहा हूँ, ये तुम लोग जो एक भी सीधी आंख तुम्हारे पेट में नहीं है, जंग की खबर को क्यों छुपा रहे हो? इराक के लश्कर का हार मानना झूठ है या हसन इब्ने अली का जख्मी होना? जब इन्हीं बिच्छुओं में से एक तुम पर छोड़ूंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी। ले जाओ इसे। इराक के लश्कर में सिर्फ चंद बेजान अंधे बहरे और बूढ़े बचे हैं जो साबात में मलकुल मौत का इंतजार कर रहे हैं। ए लोगो, शामियों की नई चाल को उनके चेले की जबान से सुन लिया आप लोगों ने। अब कुछ जुमले अमीर मुख्तार सकफी से सुन लीजिए, जो आज से मदाइन के मामलात और उमूर के जिम्मेदार हैं। मैं गुमान कर रहा था कि मुआविया इराक के जंगजुओं के दिल और ईमान को खरीदने के लिए ऊंटों पर सोने के कूजे भरेगा, मगर ये लड़ाकू बिच्छू नहीं मजह का खैज चालों में से हैं, जो सिफ़ैन में कुरान की सूरत में नेज़ों पर बुलंद किए गए हैं। सच तो ये है कि इराक अरब हमेशा से शामियों का बहुत ताकतवर हरीफ और मध्य मुकाबिल रहा है और है।
शाम के बहादुर अगर जंग लड़ने वाले मर्द होते तो इन बिच्छुओं का सहारा न लेते। इन लोगों की तमाम तर उम्मीदें आप लोगों की जहालत पे टिकी हुई हैं। लश्कर इराक के सोना पसंद लोग मैदान जंग में दाखिल होने से पहले ही मुआविया के सोने पर बिक चुके हैं। ऐ लोगो, मुश्तबा जख्मी हो गए हैं। मैदान जंग में नहीं और न ही शाम की फौजों के हाथ से, मौला रात की तारीकी में खवारिज की तैगे जफा से मजरूह हुए हैं। आज आपका शहर शहरे मदाइन रसूल अल्लाह के बेटे का मेजबान है और शुक्र खुदा कि उनका जख्म ठीक हो रहा है और बहुत जल्द बिस्तर से उठकर मुआविया के इन हीलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं मुख्तार सकफी आज से ये कसम खा चुका हूं कि आज से हर खाइन और मशकूक का वास को नुत्फे में ही मार डालूंगा और ये शहर शहरे मदाइन आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के चैलों से पाक कर दूंगा। किस गुनाह में मारा गया ए मदाइन के लोगों? किस गुनाह के जुर्म में आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुकमा बनाना चाहते हैं? आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बह जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दें। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाब है कि वो आपके शहर की तरफ आए जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है? मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूं जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के आजादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नीयत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में कहां ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहें? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। खूब बोलना आ गया है तुम्हें आर्जम, खाली मैदान में रिजस पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायस दंगवार हो। तुम लोग जो आज मुआविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैत कर ली? सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए हैं जबकि शरीयत मोहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया न अली और ना उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह।
क्या हुआ? मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी। अगर जरूरत है तो मुख्तार की मौजूदगी में रजिस्ट्री खानी करो। ये तनाजा अब देखने वाला है। अब आया मध्य मुकाबिल। डंडोरा पीटने वाले तो उसके अमीर मदायन होने का ऐलान कर रहे। अमीर मदायन तो था। मुख्तार अमीर मदायन कहाँ से हो गया? मदायन का अमीर मुख्तार का चचा है। अजीब बात है कि चमगादड़ दिन के उजाले में मैदान में निकल आए। जहाँ तक मैं जानता हूँ चमगादड़ रोशनी से डरता है और रात की तारीकी में शिकार के पीछे भागता है। तुम तो गैर जानिबदार थे और इस भाई भाई की जंग के खिलाफ थे अबू इसहाक। इसका मतलब है तुम्हें भी फरेख्ता कर लिया है उन लोगों ने। तुमने किस लालच में अपने दीन को दुनिया के बदले बेच दिया मुख्तार? बादशाही इराक के बदले? कैसे? जानते हो क्यों मैं बकौल तुम्हारे इस भाई भाई की जंग में किसी की हिमायत नहीं कर रहा था? इसकी दलील इस अदालत पर गुस्सा है जो तुम जैसे हैवानों को भौंकने और पंजा मारने का मौका देती है, और तुम लोग अवाम के दरमियान अपने जाहिलाना उफकार को चिल्ला चिल्ला कर फैलाते हो। खवारिज मेरी नजर में काफिर हर भी हैं जिनका खून बहाना हलाल है, चाहे वो तलवार खींचे या न खींचे। फकत इस बार तुम लोगों के खून से गुजर रहा हूँ। हुक्म अल-काज़मीन अल-ग़ैज़ व आफ़ीन अन-नास की इताअत करते हो। अब तुम लोग दफा हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक और बार तुम लोगों को मैंने देख लिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। जाओ और इस पैगाम को अपने खबीस दोस्तों तक पहुँचा दो। क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस्खानी करती है इराक के मुस्तकबिल के बादशाह? आज तक अपनी तलवार से कुत्ते को नहीं मारा। ज्ञान, इस शैतान की फौज को कोई मौका मत देना। इस गिरोह की रिहाई रैयत पर एक जफा है। इन सबको महल के कैदखाने में ले जाओ। जी अमीर। और तुम लोग अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो। आज के बाद कोई भी तलवार या लकड़ी या छुरा वगैरह लेकर शहर में शोर और बलवा बर्पा करेगा वो मेरा दुश्मन है, मुजरिम है, चाहे वो अरब हो या ईरानी, उमवी हो या अलवी। आज के बाद मदाइन में अमन अमान का जिम्मेदार मुख्तार है और कोई नहीं। चोर चोर चोर। क्यों चेहरे पर 12 बजे हुए हैं मेरी जान? हुआ क्या है? मुख्तार मैदान में उतर आया है, तुमने नहीं सुना क्या? क्यों नहीं, मदाइन में आग लग गई और मुख्तार ने पानी की तरह उसको बुझा दिया। क्या नक्शा खींचा है उसने, किसी को भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उसे घर में रोकने में नाकाम हो गई ना? मैं नहीं कर सकी हनाना, वो जाल में नहीं फंसा। और तो और नारिया का इश्क भी उसे रोक नहीं सका। उसने अपने कान हर वसवसे के लिए बंद कर लिए हैं। तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अगर मुख्तार मैदान में उतर आए तो क्या उसने उमर के हाथ बांध दिए हैं? जब उमर इराक का बादशाह बनना चाहता है तो फिर तो उसे मुख्तार की रुकावटें हटानी पड़ेंगी। क्या वो ऐसा कर सकता है हनाना? तुम चाहो तो कर सकता है। अब उसने कौन सा ख्वाब देखा हुआ है? अच्छा ही देखा है बेटा, उमर और मुख्तार बचपन से ही दोस्त हैं, मामले को मिलकर हल कर लेंगे। इधर आओ, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि उसने तुम्हारे लिए कौन सी चाल सोच रखी है। इन रगने वाले मजूसियों को कत्ल कर दो।
निकालो ए जाहिल मजूस, तुम लोग वज्बुल खत्ल हो, तड़पो और तड़पो। हक किसके साथ है, हाँ माविया या अली? हर जाए से नसल पर असर वो सिर्फ या दो जो माविया के कुत्तों की खुराक में से लेकर आए हो। हक उसके साथ है जिसके पास सोना है या खुदा की ताकत। मार चुके? खुदा की पना, ये इंसान का सर है या गधे का सर? ये सींग तुम्हारे सर पर क्या कर रहे हैं? ए खर, तूने गड़ा खोदा, उसी में तू गिरेगा, बेशक तू गिरेगा। ए खर, तूने जो किया है सो भुगतना तो पड़ेगा, पिट पिट के मरेगा। ए खर, क्योंकि तू गधा है तुझे चाबुक भी पड़ेगा, सहना तो पड़ेगा। ए खर, तू धोबी का कुत्ता है जो ना घाट ना घर का, शैतान का चेला। क्या भैंस की बदबू ने तुम्हारे दिमाग को सड़ा दिया है? क्या तुम समझते हो कि अली के बेटे के बैतुल माल से कुछ भेड़ों का रेवड़ तुम्हें मिल जाएगा? मेरे खिलाफ भेड़िए जमा कर रहे हो सारे जहां में फिर के, हाँ आओ आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारे इस नामुकम्मल मगज को कुत्तों की खुराक बना दूं। क्या तुम्हारा बवासीर दोबारा निकल आया है या कीड़ा काट काट कर तंग कर रहा है? अपनी किस बीमारी की तकलीफ पर उछल रहे हो मोटे सांड? तुम्हें इससे क्या क्या मैं भेड़िए जमा कर रहा हूँ? किस हक के बिना पर मेरे घर में मुझ पर हुक्म चला रहे हो मनहूस? मारू क्या? गधे के बच्चे, अकल के अंधे, शाम का लश्कर मदाइन के दरवाजे के बारके में लगा कर बैठा हुआ है। अगर माविया को मदाइन में अली के बेटे के हामियों का पता चल जाए, वो हमारे बड़े और छोटे पर रहम नहीं करेगा। टिड्डा खाने वाले अरब, तुम्हारा दिल मदाइन और मदाइन वालों के लिए फिक्रमंद नहीं, बल्कि सबको पता है कि खजरमी अरब माविया के चेले हैं। तुम लोग डर रहे हो कि कहीं माविया तुम्हारी रोटी रिश्वत ना बंद कर दे। अहमद घंजे, माविया इतना सखी है कि अगर गधे को भी अस्तबल में बांधता है तो उसकी आगे अशरफगिया डाल देता है। तुम जो अली के बेटे की मोहब्बत का चर्चा करते हो, वो तुम्हें कौन से फूलों का हार बना देगा? गधे कहीं के? अली के बेटे की अदालत के लिए यही बस है कि वो अरब और अजम को एक निगाह से देखते हैं। हम उनकी सदा पर जान देने को तैयार हैं। बखुदा यही वजह काफी है कि हम अली के बेटे के खून के प्यासे। तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, इस आरजू को तुम लोग कब्र में ले जाओगे कि अरब और अजम एक हों। माविया के गधे मारू। अरब लोग किस कबीले से हैं? तुम्हारी जबानें किसी जानवर का लुकमा बन गई हैं? मैं तुम सबकी जबानों को काट दूंगा ताकि सारी जिंदगी अपना तारुफ ना करवा सको। तुम हमें सूली पर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो, हमारी कौम कबीली से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हें सूली नहीं चाहिए, बुढ़े कौड़े चाहिए तुम्हें। फितनागर, शर और शरारत तुम्हारी निगाहों में कीड़े की तरह रिंग रहा है। सरकार, ये लोग हजरमी अरबों में से हैं। तुम अजमों के किस शाखे से हो? दीलम के अजमों में से हूं। हजरमी अरब और दीलमी अजम का तनाजा, इसका मतलब है जंग, उमवी और अलवी की जंग। मगर यहां पर क्यों? मदाइन में
रंगने वालों के बाजार में क्यों? शहर के अंदर तनाजे का मतलब फितना अंग्रेजी यानी जंग, कानून और अमन के खिलाफ जंग, अमीर से जंग। आज इस शहर का अमीर मैं हूं। लड़ने के लिए मर जाता हूं मैं। क्यान जी अमीर, इन सब के नामा अमाल का बगौर जायजा लो। जिसने भी कोई जर्ब लगाई है या खाई है वो मुजरिम है। जनाब आली, आप पूछेंगे नहीं ये शोर शराबा और लड़ाई किस बात पर है? ये सब काजी का काम है ना कि अमीर का काम। दिमाग ठिकाने आया? यही थी वो अदालत जिसके लिए तुम खुद को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। अफसोस है मुख्तार, मैं सोच रहा था कि एक अरब मर्द दिलावर मैदान में उतरा है ताकि शिया ख्वार और कमजोर ना हो। क्या तुम्हें ये तवक्को थी कि मैं इस खुद फरोश और मरीज हजरमी शेख के सामने गूंगा रहता? अली के बेटे की हिमायत के जुर्म में मुझ पर कुल्हाड़ी उठाई थी तो क्या मुझे अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए थी? जो बरहक है वो अदालत और काजी के फैसलों से डरता नहीं है। और हाँ, वो शिया जो दुश्मन की चाल में मददगार साबित हो उसके लिए बेहतर यह है कि वो जिंदान में ही रहे और सड़ जाए। मुख्तार, खालुल मोमिनीन माविया इब्ने अबू सुफियान उस जंग का जीतने वाला बादशाह है जो मोहम्मद की मीरास पर उठाई गई है। तुम और तुम्हारे चचा उसमें रुकावट नहीं बन सकते। तुम सियासत के आदमी हो मुख्तार, अली के बेटे और इराक की हुकूमत के बीच सौदा क्यों नहीं कर लेते? जिंदान क्यों नहीं ले गए? हमने चाहा कि इन लोगों का तमाशा देखें। इससे क्या होगा? इन लोगों की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए इबरत है जो अब तक आजाद हैं। लोगों की आबरू से खेलते हो? लोगों की नजरों से इन्हें दूर करो। जी अमीर। आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं भाइयों। शायद अपने भतीजे की मदद से आप लोगों की जरूरत को चंद दिनों के लिए हल कर सकूं। ये मेरे भतीजे मुख्तार हैं। अस्सलाम वालेकुम ए मुख्तार। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू उबैद के बेटे मुख्तार के बारे में बहुत कुछ सुना, मुझे फख्र है आपसे मुलाकात पर। ममनून और मशकूर हूँ, बैठिए। खुदा रहमत नाजिल करे गुज़िश्तगान पर। जैसे ही दरवाजे से अंदर आए हो मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई अबू उबैद आया है। तुम्हें पता है इस लिबास में किस कदर उसकी शबाहत रखते हो। मरहबा मेरी जान, तुमने मेरी इज्जत बढ़ा दी। तुम्हारी खबरें एक एक बारीकी के साथ मुझे मिल रही थी। क्या जरबेकारी लगाया है तुमने। मैंने सुना है कि मुफसिदों ने अपने हाथ मलना शुरू कर दिए हैं। खुदा का शुक्र है कि हालात पुरामन हो गए हैं। अब तमाम सिपाही हालात पर मुसल्लत हैं। मरहबा मेरी जान। हम इन वाकयात से पहले जो भी कुछ अपने अंबार हुकूमत में रखते थे वो इमाम के हुक्म पर बेच दिया। इस वक्त हुकूमत के मौजूदा अंबार मेरे हाथ की हथेली के जैसे हैं, साफ और पाक। बहरहाल मैं
मदाइन के मालदार बाशिंदों की मदद से नाउम्मीद नहीं हूं। आप लोग साबात चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले काफले के साथ कुछ जरूरी अशिया और खाना वगैरह भिजवा दूं। खुदा आपकी इज्जत और जाह मकाम में इजाफा फरमाए। अगर इमाम के पास आप जैसे 10 अफराद होते तो आज वो मुसीबत में ना होते। मगर मशियत इलाही का क्या होगा भाई, शायद इस मुसीबत में वो रहमत छुपी हुई हो जिससे हम बेखबर हैं। आज मिसाल इमाम मुज्तबा रसूल खुदा की कल की हिकायत की जैसी है जो उहद में हुई। उहद की शिकस्त की एक बरकत यह थी कि उसके बाद मुसलमान बेदार हो गए। बिल्कुल सही, चलने की इजाजत देंगे? खुदा की पनाह में, महफूज रहिए आप सब। जनाब मुख्तार, आप इराक के नामी गिरामी बहादुरों की नस्ल से हैं, दलेर और बहादुर मर्दों की नस्ल से। आपकी जगह नबी के फर्जंद के पास खाली थी। हमें फख्र होगा कि हम आपके हमरा तलवार चलाएं। जो खुदा चाहे सरदार, पना है हक में। खुदा हाफिज। खुदा आप लोगों का मुहाफिज रहे। सुना तुमने चचा की जान, तुम बहादुर पहलवानों की नस्ल से हो, देख रहे हो तुम और तुम्हारा बाप लोगों की नजर में क्या मकाम रखते हैं। इस मकाम मंजिलत को बचाना एक मुश्किल काम है। मैं कहता हूं कि इमाम की लश्करगाह साबात का एक चक्कर लगा लो। लश्कर इराक अपनी रूह खो चुका है। मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हें देखकर एक नई जान पकड़ लेंगे। बेशक आप सियासत में माहिर हैं चचा जान। आपने मुझसे कहा कि मदाइन के मामलात और इमाम की जान की देखभाल में आपकी मदद करूं। मैंने भी दिलो जान से कबूल कर लिया। मैं आपकी अमीरी और सिपहसालारी के बारे में जिस दिन तक इमाम मदाइन में है किसी भी मदद से गुरेज नहीं करूंगा, मगर उस जंग में जिसका अंजाम शिकस्त और रुसवाई है उसमें दाखिल नहीं होऊंगा। इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसका अजाला नहीं करना चाहते। नहीं चाहता नहीं, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम फरमा रवाई और मामलात को संभालने में एक बेमिसाल महारत और कुदरत रखते हो। तुमने एक आधे दिन में मदाइन को तस्खीर कर लिया। क्यों ऐसा सोचते हो कि इराक की एक निडाल फौज में दोबारा जान डाल दो? मैंने मदाइन को आधे दिन में फतह कर लिया क्योंकि मैं एक मुकम्मल इख्तियार रखता था, क्योंकि मैंने सरकूबी की सियासत से काम लिया। इमाम इस तरीके से मुत्तफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरीके में मुमकिन है कि बेगुनाह लोगों की भी कुर्बानी हो जाए। रंगने वाला बहराम इसका एक नमूना है। मुझे पता है कि वो बेगुनाह है, मगर उसे बंद नहीं करता तो अरब और अजम का शोर खामोश नहीं होता। बहुत खूब, यह भी एक दलील है। मुझे उम्मीद है कि इमाम का मदाइन में रुकना ज्यादा तूलानी न हो। तुम्हें किस बात का गम है मुख्तार? मेरी खेती बाड़ी, मेरी रियाया के मामलात, रोटी खाने वाले लश्कर को चलाना छोटा मशगला नहीं। ख्यान, मुख्तार के एक अहम मशगलों में से एक तुम हो। इस शेर बहादुर को औरत, सरात और रोटी पानी में कैद किया हुआ है तुम लोगों ने। कियान, मेरा अहम मशगला तुम हो? मैं आपका गुलाम हूं मुख्तार। चुकंदर की तरह लाल क्यों हो गए? मरहबा इस हया, तवाज़ो और गैरत पर। इस किनाया से आपका मतलब क्या है? कियान ने जारिया को मुझसे मांगा है। मैंने तुम्हारी रजामंदी की शर्त रखी है।
क्या तुम नाराज हो गए हो अबू साहब? हमारी दोस्ती के बारे में सोच रहा था। कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? हकीकत यह है कि मेरा रिहाकारी न करने वाला दोस्त मेरी बहन के रिश्ते की खातिर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। एक अजीब सा एहसास है ज्ञान, जारिया मेरी सगी बहन है और मेरे घर में बड़ी हुई है। ठीक है कि मैंने उसे बाप की तरह पाला है, मगर मान लो कि मैं उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है। मगर हतमी जवाब जारिया देगी ना कि मैं। अरब की अजम से कैसी रिश्तेदारी? मैं शर्मिंदा हूं ज्ञान, मुझे उम्मीद है कि हमारी दोस्ती पर शक नहीं करोगे। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो अबू इसहाक। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए एक ऐसा शहद है कि कोई भी तलखी और तेजी इसकी मिठास को जायल नहीं कर सकती। आपसे रिश्तेदारी मेरे लिए एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी। इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। मरहबा मरहबा उम्मे साबित, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने? मेरी हुरमत जहन्नुम में जाए, ये होती है मेहमान नवाजी। तुम गुजे को मेरे सर पर क्यों तोड़ रहे हो मुख्तार? जनाब कियान, मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं समझ रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारिया को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ। मैंने ये जुमला अरबों की जबान से बहुत सुना है बानो, कोई बात नहीं। बदतमीज गुस्ताख कहीं की? नहीं अबू इसहाक, नहीं, तुम्हें कियान की जान की कसम। वो अभी जवान और मगरूर है, बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में चलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें। तुम दखल मत दो कियान, उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए। जारिया मेरी बेटी की तरह है, मैंने उसे माँ का साया दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारी जिंस में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा, तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था, उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनामो निशान ईरानी ना होता। अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो बदशकल बेअदब लड़की। मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैदे सकफी की बेटी जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम मगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तौहीन को मेरे हक में कभी कबूल ना करते। तुमने कैसे कबूल कर लिया कि एक बेनामो निशान ईरानी अरब की तमाम तर रस्मों को पामाल करके अपनी हवस की नजर कर दे मुख्तार? फजीलत किसी कौम नजाद और कबीले से नहीं है ना फहम लड़की, हम मुसलमान हैं।
उसी रानी के बारे में क्या जानती हो जो स्कीन और बुक्स के साथ उस पर हमला कर रही हो? तुम एक ना से भी उसे जवाब दे सकती थी। उसने मेरी तौहीन की और मैंने भी उसकी तौहीन का जवाब दे दिया। मुझे यकीन आ गया कि जाहिल अरब का खून तुम्हारे रगों में जारी है। गौर से सुनो जारिया, अब तक मैं समझ रहा था कि हलाल लुक्म तुम्हारी वैश्याना खुल को खूब को बदल सकता है। आज के पास से तुमसे उन जाहिल अरबों की जबान में बात करूंगा, उन्हीं तैग व तबर की जबान में जिन पर इस कदर नाच रही हो। तुमने मेरे दस्तरखान पर कद निकाला है, बस तुम मेरी कनीज हो। अब तक भी यही था, तुमने हमेशा से एक बुरी नजर से मुझे देखा है। तुम मेरे मालिक हो ना कि भाई। चाहो तो जिस भी कीमत पर दिल चाहे अपने उस ईरानी दोस्त के हाथों बेच दो मुझे। कियान को दुल्हन चाहिए, बिच्छू नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा। इस कदर कुंवारी रहो, इस कदर कुंवारी रहो कि तुम्हारे सर के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के हो जाएं। शाबाश, शाबाश है जो तुमने इसे तमीज सिखाई है। मैंने उसका साथ नहीं दिया मुख्तार। जारिया एक तन्हा लड़की है। आज उन लड़कियों की खुशनसीबी के बारे में बात कर रही थी जो जिंदा दफना दी गई हैं। वो तमन्ना कर रही थी कि काश वो लड़का पैदा हुई होती। मुझे डर है कि वो पागल ना हो जाए। एक वहमे इश्क की दीवानी हो गई है। अगर तुम्हारा दिल उसके लिए जलता तो तुम उसके लिए एक अच्छी माँ साबित होती। तुम तो ना इंसाफ नहीं थे मुख्तार। उसे अपने शौहर के इंतखाब का हक दे दो। इंतखाब करे मगर पिसारे सादिया भी वकास को नहीं। मेरे लिए ये नंगवार का बायस है कि मेरा बहनोई उम्र साद हो। दारिया, अगर मेरे गुरूर को जख्मी किया तो अपने इश्क का सर कलम कर दूंगा। देखा अरब का आजम से क्या रिश्ता है। अगर मेरी जबान से इनकार सुन लेते तो शायद हजारों ख्याल तुम्हारे जहन में आते। मैंने सोचा कि तुम ना का जवाब खुद उस सरफिरी और पागल लड़की के मुंह से सुनो। वो मुख्तार जो मैदान जंग में एक नारा लगाकर फौज को डरा देता है और उनके तन बदन में रोंगटे खड़े कर देता है, उसकी अपने घर की हुकूमत में एक चूहे जितनी अहमियत नहीं है। दर्दनाक बात तो यह है कि मुख्तार एक अली का शिया उस लड़की पर आशिक हो गया जिसके बाप को रसूल खुदा ने लानत की है। उस इश्क के रुसवाई मेरी सात पुश्तों के लिए काफी है। नहीं किया, तुम नहीं। तुम अली के मुखलिस शिया होते हुए ऐसा शरीक हयात चाहते हो जो मलामत की हकदार है। यह नंगवार काफी है कि उम्र साद एक गंदा और मक्कार भेड़िया जारिया के करीब बैठा है और अपने बाप के नाम और नमूद की बिना पर उसे फरीफ्ता कर रखा है। मेरा हाथ उस दज्जाल तक पहुंच जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मरहबा, अहसानत। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के लिए फख्र का बाइस है कि मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी उसका दुश्मन है। मुख्तार बुजुर्ग को गुस्सा दिलाकर बहुत गुरूर का एहसास कर रहा हूँ। आज की रात इस घर में क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो हरामजादे?
ज्यादा मत चिल्लाओ मर्द मोमिन, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गलाफ में रखो इसे, मैं मेहमान बनकर आया हूं। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो, ये कोई जवा मर्दी नहीं है। जिस निजासत ने इस घर को नापाक किया है, सिर्फ खून से पाक हो सकती है। आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम और फरासत का सुना तो वो मुबालखा था। सर भी जाओ मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी। जी बानो। मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे? तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। जारिया तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता। नारिया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ तुम मुख्तार को ठंडा कर सकती हो। मैं डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है। बेवकूफ ना बनो मुख्तार, हम इस मौजू को मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं। मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो आलिया उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले दामाद अपना दफा करो। याद रखना तुमने खुद कहा था मैं आज रात खैर के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब सर्ब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूं। आज की रात या तो इश्क के किले के दीवाने और सर फिरे दारोगा पर गलबा हासिल कर लूंगा या फिर माशूक के विसाल की राह में जान दे दूंगा। इससे पहले कि वो अपने इश्क को मार दे कुछ करो। इस जंग का अंजाम सोखा लिबास है जो हम दोनों में से कोई एक पहनेगा। मेरे भी हाथ पांव फूल रहे हैं जारिया, अब तक मुख्तार को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। तेरा पांव टूट जाए सर भी, कहां चले गए? फकत सईद ही इस जंग की आग को बुझा सकते हैं। साबित कर दूंगा कि फातह ईरान का बेटा हूं। ईरान के फातह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फुतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मत मुकाबिल को तलब करना इतने शोर और महशर का मोहताज नहीं। जान, तुम कहां और सफेद महल कहां? स्पेशल साथ हमारे खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा हमारे खैर नामर्द? हाथ मांगने आया था मैं जारिया का। जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं।
तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो? तो कहां गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुश आमदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पर नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं। कहीं ना कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था कि जो कोई भी बगैर इज्न दुखूल दाखिल हो जाए उसका खून बहा दिया जाए। तुम कैसे इस महल में घुस आए और अब तक जिंदा हो? खूब, ये तो मेरा एक बाल बुलंद था कि मैं अब तक जिंदा हूं, और ये देखिए मेरा खून भी बहा है। तुम्हारा एक बाल बुलंद नहीं था, एहतमाल इस बात का है कि हमारे महल की दीवारें मजबूत नहीं थी। शायद हमारे दरवाजे का महाफिस किसी दिरहम और दीनार की थैली से कमजोर पड़ गया हो। जल्द पता चल जाएगा कि रिश्ता मांगने के बहाने के पीछे कौन सी गलतियां छुपी हुई थी। डाल दो इसे कैदखाने में। तुम तो एक अकलमंद और बातकवा मर्द हो हजरत वाली, किस अदालत पसंद दलील के तहत मुझे कैद कर रहे हो? अभी कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ है, तुम चंद दिनों के लिए महल के मेहमान हो। जनाब वाला, अली के बेटे के लिए कोई दरो दीवार बचे ही नहीं है जिन्हें मुझे फतह करना पड़े। आप खामखा शक कर रहे हैं। यही तो तुम गलतफहमी के शिकार हो गए हो। मैं जब तक रसूल खुदा के बेटे का मेजबान हूं, ये तहैया कर चुका हूं कि शामी शैतानों के तरीके पर हुकूमत करूं। अगर कोई दलील हुई तुम्हारे पास तो मैं मुहाकमे में सुनूंगा। उस बिच्छू को मेरे हवाले कर दे चाचा जान, मैं वादा करता हूं कि उसकी जबान खुलवा दूंगा। एक शर्त पर मुख्तार, वादा करो कि उसे मारोगे नहीं।